अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो शॉपिंग हॉल है, जो हम लोग शॉपिंग करके आए थे सैटरडे को, यानी कि रमज़ान से एक दिन पहले। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो आज के व्लॉग में हम लोग वही आपसे शेयर करेंगे। जो सारी शॉपिंग वगैरह थी सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी शॉपिंग। अच्छा जी, तो ये थी कुछ शॉपिंग जो हम लोग करके आए थे। मैं, मेरी छोटी बहनें, हम लोग गए थे मार्केट, और ये सब चीज़ें हमने ली हुई हैं, ये वाली सारी चीज़ें। और ये वाले ड्रेसेज जो हैं ये अम्मी अपने लिए खुद लेके आई हैं, तो मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। एक ये वाला ड्रेस है, ये गर्मियों, मेरे ख्याल में ये पिछले साल मैंने बुनेंजा से लिया था, तो ये अभी वैसे का वैसे स्टिच होने वाला पड़ा हुआ है। ये तो इसका ट्राउज़र हो गया ये वाला, और ये इसकी शर्ट है। शर्ट सिंपल प्रिंटेड है, मेरे ख्याल से सारी सेम सेम है। और ये एक साइड पे इसका बॉर्डर है। ये अभी हम मैंने स्टिच होने के लिए देना है, तो जब ये स्टिचिंग होके आ जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी सही से ना, अच्छे तरह से कि कैसे स्टिच हो गया है। ये इसका बॉर्डर है, ये शर्ट हो गई, और ये इसका दुपट्टा है। ये बनाजा के जो दुपट्टे होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, बहुत अच्छे से लगते हैं ना ये। और स्टफ़ भी इनका गर्मियों के लिहाज से काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। अच्छा, एक तो ये हो गया, उसके बाद ये भी, ये मेरी छोटी बहन ने ली थी एक शर्ट लाइम लाइट से, तो ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये वाला जो है ये लाइम लाइट का था मेरे ख्याल से। हाँ, ये शर्ट मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये ना कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से बनेगी शर्ट इसकी। अब देखें वो कैसे कि स्टिच करवाती है इसकी। ये बस मैंने आपको दिखा दी है, ये ऊपर ऊपर से ही देख लें, और बस ऐसा इसका कलर है। और इसके साथ ना रेड कलर के दुपट्टा हमारे पास एक पड़ा हुआ था बहुत अच्छा सा, तो वो चलेगा इसके साथ, तो काफ़ी अच्छा सा कम्बिनेशन रहेगा इसका। और ये ट्राउज़र जो था ये इसके साथ खुद मैच किया था हमने ना इसके साथ। ये है कि ब्रांड के कपड़ों के ना बाद में वहीं से मैचिंग वगैरह अब तो मिल जाती है ये लाइन लाइट की, तो वो आसानी रहती है। हमने बाहर से लिया था तब हमें याद भूल गया था, तो काफ़ी मुश्किल हुई थी बाहर से इसको मैच करने में ना। ये हो गए, और उसके अलावा ये एक ड्रेस था, ये क्या इसके अंदर बिल्कुल ऐड किया हुआ है, ये था। ये तो वैसे ही घर पहनने के लिए लिया था मेरी छोटी सिस्टर ने, गर्मियों में थोड़े ऐसे के कलर्स ना अच्छे रहते हैं, ज़्यादा बारीक लाइट कपड़े जो होते हैं ना, लाइट कलर वो फिर ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, तो उनमें भी ना मुश्किल होती है। फिर ये वाली जो थी, ये वाली शर्ट है इसकी, ये इसका मैं आपको थोड़ा सा बस खोल के दिखा देती हूँ। ऊपर ऊपर से फुल खोल के इनको तय करना, वो भी फिर दोबारा से बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे उन्होंने लगाई होती है वैसे तो लगती नहीं है, दोबारा समेटे ही नहीं जाते। ये इसका गला बना हुआ है थोड़ा सा, और बाकी ये शर्ट है, और ये वाला इसका दुपट्टा है, ये रहा दुपट्टा, और ये इसके ट्राउज़र, ये सारा हो गया। ये तो आपने यहाँ से देख लिया होगा ना कैसे का लगेगा, प्यारा प्रिंट लग रहा था, काफ़ी अच्छा लगा था हमें, तो फिर हमने ले लिया कि आगे फिर रमज़ान आ रहे हैं ना, रमज़ान में स्टिच करवा के पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। ये एक शर्ट थी, ये सिर्फ शर्ट थी ना, ये हमें मिली है अकेली शर्ट, 850 रुपये की मिली है। तो ये मेरी छोटी बहन ने ली थी, उसे बहुत प्यारी लगी थी ये, काफ़ी अच्छी लग रही है ना प्रिंट भी इसका, और गर्मियों के लिहाज से कलर भी, जिस जिसको हमने दिखाई है घर में आके, मेरी बड़ी बहन को, मम्मी को, अब्बू को, सबको ये बहुत प्यारी लगी। ये इसका बॉर्डर है, और ये ऊपर ऐसे प्रिंटेड शर्ट है, ये बहुत प्यारा कूल सा गर्मियों के लिहाज से ना बहुत अच्छा सा प्रिंट है। ये हमें मिली थी 850 रुपये की। और उसके अलावा फिर एक ये सूट था, ये हमने लिया था अम्मी के लिए, ये इसका दुपट्टा है, ये शर्ट है, और ये रहा ट्राउज़र इसका, ये भी बड़ा कूल सा लग रहा है। ये जो है ये इसकी शर्ट है, ऐसे इसके ऊपर बॉर्डर शॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, बॉर्डर शॉर्ट है, और ये इसका दुपट्टा है, और
इसके साथ हमने मैचिंग का जूता भी लिया था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हम बकायदा हमने वहाँ पे दुपट्टा दुपट्टा बाहर निकाल के और इसके साथ फुल मैच करके लिया था अम्मी के लिए। अम्मी को ना काफ़ी टाइम से शौक़ था कि खुस्सा हो ना इसके साथ का, तो फिर हमने ये वाला इसके साथ जूता लिया था फुल मैचिंग शैचिंग करके ना, कि अम्मी ईद पे पहनेंगी तो अच्छा लगेगा। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसके साथ जा रहा था कलर्स के हिसाब से ना, तो फिर हमने ये वाला अम्मी के लिए जूता भी लिया था। ठीक है, ये सूट हो गया। और फिर इसके अलावा क्या था, इसके फिर ये वाला एक सूट था, ये भी मैंने अपने लिए लिया था। हालांकि वहाँ पे शॉप पे जाके ना मुझे इतनी कुछ समझ नहीं आती है ख़ास, तो ये मेरे ख्याल में ये बिन सईद का था। इनका स्टफ़ काफ़ी अच्छा होता है। लास्ट ईयर एक सूट हमने लिया था बिन सईद का अम्मी के लिए, तो वो अच्छा निकला था उसका स्टफ़ वगैरह ना, तो फिर ये इस दफ़ा भी हमने लिए हैं। अब देखो कि ये कैसे का निकलता है, ये पता नहीं इसका फ्रंट है बैक है कैसा नहीं है, ये बस ऐसा ही। ये इसके बाजू हैं, ये शर्ट वगैरह हो गई, ये इसकी कैपरी हो गई, और ये इसका दुपट्टा था। इसका दुपट्टा भी वैसा ही है जैसा वो बुनैनजा के मैं बोल रही थी ना कि सॉफ्ट सा और मुलायम सा, वैसे का ही स्टफ है इसका भी। ये मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ, तो ये रहा दुपट्टा इसका, जिस तरह से दिखता है सही हो गया। और उसके बाद जो था ये निकला है, ये तो वो जो मैं शर्ट लेके आई थी ना, ये वाली जो शर्ट थी बॉर्डर वगैरह, तो ये इसके साथ इसका ये हमने ट्राउज़र खुद मैच किया था। ये हमें मिला था 700 का कुछ मिला था। गंद भी इतना डल गया इसको ना, उठाना भी मुश्किल हो गया, समय उतना बहुत मुश्किल हो गया मुझे। और उसके बाद फिर ये वाला एक ड्रेस था, ये वाला इसका दुपट्टा है, ये थोड़ा सा ना शाइन शाइन वाला कपड़ा है, शाइन देता है। ये इसका दुपट्टा है, ये इसका ट्राउज़र है, ये भी बिन सईद का ही था ना, और ये इसकी शर्ट है, ये थोड़ा डार्क कलर है। लेके तो हम अपनी सिस्टर के लिए आए थे बड़ी वाली के लिए, लेकिन उसने बोला कि ये डार्क कलर है बहुत, तो उसे ये पसंद नहीं आया। अब ये देखो ये कौन लेता है पड़ा हुआ फ़िलहाल, जिसका दिल करेगा उठा के वो स्टिच करवा लेगा इसको। और ये जो था ये इसके साथ का दुपट्टा था, इतना माड़ा भी नहीं है, लेकिन चलो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। ये इसके साथ दुपट्टा था फुल ना, और ये वाली इसकी शर्ट होगी, और ये जैट इसके साथ ट्राउज़र होगी। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया इसके अंदर, हाँ इसके अंदर क्या था, ये हमें कुछ लास्टिक वगैरह लेके आई हुई थी, पता नहीं क्यों शायद मेरी ज़रूरत हो। और ये वाले जो दो ड्रेसेस हैं ना, ये हमें खुद लेके आई हैं, ये कज़न के साथ गई थी ऐसे मार्केट, तो वहाँ से ये उन्हें अच्छे लगे तो ले आई। ये ट्राउज़र है और ये शर्ट ली थी उन्होंने, शर्ट के साथ ट्राउज़र मैच किया घर पहनने के लिए ना। ये इसकी प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है इस शर्ट की, पता नहीं अम्मी को कितने की उन्होंने दी है, लेकिन मुझे ये वाली शर्ट मैं कह रही थी कि अम्मी कुछ ख़ास नहीं लगी। ये वाली जो शर्ट थी ना, ये वाली ये हम लोग लेके आए थे, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं कहती कि ऐसी होंगी, लेकिन इसका स्टफ़ और इसका स्टफ़ ना बहुत फ़र्क है। इसका स्टफ़ तो बहुत अच्छा है, ये अब मुझे थोड़ा लाइट ही लग रहा है, पता नहीं ये कैसा निकलेगा कैसा नहीं। तो ये हो गया टू पीस। और एक अम्मी ये वाला ड्रेस लेके आई थी अपने लिए, इसके साथ ब्लैक शलवार थी, लेकिन अम्मी ने ना वो अम्मी ब्लैक और रेड नहीं पहनती, तो अम्मी ने वो निकलवा दी और ये वाली ली है। ये जो है ये वाला इसका दुपट्टा है, ये चनवन का है मेरे ख्याल में, ये चनवन का ही है। और ये रहा इसका बस दुपट्टा। अच्छा, मुझे ना ये ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट कुछ ख़ास अट्रैक्ट नहीं करते, मुझे छोटे छोटे पसंद हैं ना। अम्मी को बड़े प्रिंट पसंद हैं, तो हर किसी की अपनी पसंद, लेकिन ये है कि जो हम अम्मी के लिए लेके आते हैं अम्मी को भी बहुत पसंद आते हैं। जो मैंने आपको पहले सूट दिखाया हम अम्मी के लिए लेके आए थे, और उनके उसके साथ का जूता था, वो भी अम्मी को बहुत अच्छा लगा, जूता देख के खुश हो गई थी वो।
और ये इसकी कुछ इस तरह से शर्ट है, ये पता नहीं कैसे बनेंगी कैसे नहीं, जब ये स्टिच होके आ जाएंगे ना तो फिर मैं आपको ये वाले भी दिखाऊंगी। बस ये थी सारी शॉपिंग, ये सारा गंदचंद मैंने खिला दिया है, अब इस खिलारे को मैंने समेटना भी है, तो फिर अब मैं समेट लेती हूँ। आप ज़रा फिर जब ये सारे स्टिच होके आ जाएंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इनमें से जिनके गले शले बने हुए हैं इजी इजी हैं, कुछ ज़्यादा डिज़ाइन करने वाली नहीं है, वो तो एक आध शर्ट मैं अगर फ्री होती हूँ तो मैं अभी स्टिच करके देखूँगी। ये वाला शायद अपने वाला मैं खुद ही स्टिच करूँ। अच्छा जी, सारी शॉपिंग वगैरह मैंने आपको दिखा दी है, अब मैं भिगोने लगी हूँ चने इफ्तारी के लिए, कुछ बनाऊँगी दही बड़े या चने चाट वगैरह। तो आज की वीडियो जो है वो हम लोग यही बयान करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।